दिल्ली में अब मेट्रो जो है वो ड्राइवरलेस हो गई है। ड्राइवरलेस का मतलब ये है कि बिना ड्राइवर के अब मेट्रो ट्रेन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ड्राइवरलेस ट्रेन यानी कि बिना ड्राइवर की मेट्रो को चलाने की अनुमति अब मिल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा चुके हैं। नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से लेकर ये जनकपुरी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या दिल्ली में सारी मेट्रोज जो हैं वो ड्राइवरलेस हो जाएंगी या बिना ड्राइवर की चलेंगी? तो आपके सवाल का जवाब है नहीं। अभी सिर्फ दो लाइन ऐसी हैं जहां पर बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ सकेगी, मजेंटा और पिंक। ये दो लाइन्स हैं जहां पर ये सुविधा है और ये एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब बिना ड्राइवर के मेट्रो चलनी अब शुरू हो चुकी है तो एक इंजीनियर्स की टीम इस पर ज़बरदस्त नज़र बनाए रखेगी। CBTC ये है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन सिस्टम और CBTC के जरिए ही बिना ड्राइवर की ये मेट्रो अब चला करेगी। इसके फायदे हैं, बिना ड्राइवर की मेट्रो में अब मानवीय भूल यानी कि ह्यूमन एरर खत्म हो जाएगा। अब बिना ड्राइवर की मेट्रो का ऑपरेशन कैसे होता है, ये कैसे चलती है, ये भी आइए जल्दी से हम आपको बता देते हैं। मेट्रो जो चलती है उसमें ड्राइवर के लिहाज से ग्रेड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जिसे कि GOA कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मेट्रो के चलने में ड्राइवर्स के हिसाब से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या ड्राइवर ब्रेक लगा सकता है, ड्राइवर हॉर्न बजा सकता है, ड्राइवर स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकता है। और एक होता है ऑटोमेशन, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं बिल्कुल। तो दो तरह से, एक तो ड्राइवर के हिसाब से और दूसरा ऑटोमेशन के हिसाब से ये मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है। और GOA यानी कि ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन एक सिस्टम है जिस पर ये ट्रेन चलती है। GOA 0 ये पहली तरह का ग्रेड होता है 5 ग्रेड में। इसमें किसी भी तरह का कोई ऑटोमेशन नहीं होता है, पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है और ड्राइवर जैसे चाहता है ट्रेन को चलाता है। हालांकि उसकी गाइडलाइंस होती हैं और इसी तरह से ड्राइवर उस मेट्रो को चलाता है। तो ग्रेड 0 जो है उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के पास। अब ग्रेड 1 में मेट्रो पर पूरी तरह से ड्राइवर का कंट्रोल होता है, लेकिन एक प्रोटेक्शन सिस्टम, ये ऑटोमेशन है, ये प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से ड्राइवर की गतिविधियों पर और ट्रेन पर यानी कि मेट्रो पर नज़र रखता है। ग्रेड 2 दिल्ली में सारी ट्रेन इसी ग्रेड 2 सिस्टम से चलती हैं। इसमें ड्राइवर का काम सिर्फ ये होता है कि वो मेट्रो का इंजन ऑन करता है, दरवाज़ों को बंद करता है, बस उसके बाद ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। ड्राइवर रहता है, ड्राइवर की दृष्टि रहती है, नज़र रहती है, लेकिन बाकी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड पर चलती है और ड्राइवर वहाँ पर मौजूद ज़रूर रहता है। अब आइए ग्रेड 3 में मेट्रो पूरी तरह से ऑटोमेशन मोड पर होती है, ऑटोमेटिक होती है, वो अपने आप चलती है, अपने आप स्टार्ट होती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं। लेकिन किसी भी इमरजेंसी के लिए, कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए ग्रेड 3 सिस्टम में ड्राइवर मौजूद रहता है और इसे अटेंडेंट कहा जाता है यानी कि सहायक। लेकिन दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर अब जो बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी वो इसी ग्रेड 3 सिस्टम के तहत चलेगी और नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। अभी मजेंटा भी चलती है, आगे चल के पिंक लाइन पर भी इस तरह की ट्रेनें चलेंगी और इसे कहा जाता है DTO, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। ग्रेड 4 क्या है ये हम आपको बताएं। आप याद कीजिए, जब आपके शहर में मॉल्स बने थे बड़े बड़े, तो मॉल में एस्केलेटर था और जब आपने पहली बार एस्केलेटर पर चढ़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो आपको तकलीफ हुई थी। तो जब भी आप मॉल्स में जाते थे तो वहाँ पर आपको एक अटेंडेंट नज़र आता था, वो आपका हाथ पकड़ता था या आपको समझाता था कि कैसे आप पहले एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर दूसरा पैर सिर्फ उठा लें और खड़े खड़े आप ऊपर पहुँच जाएँ। तो ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल इसी तरह की। ये वो ग्रेड है जिसमें मेट्रो जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक मोड पर चलने लगती है। UTO यानी कि अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, अटेंड करने के लिए ना ड्राइवर की ज़रूरत है, ना अटेंडेंट की ज़रूरत है, ना किसी सहायक की ज़रूरत है, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम अपने आप इसे ऑपरेट कर लेगा, चला लेगा
मानव रहित पूरी तरह से। अब बिना ड्राइवर वाली मेट्रो जो दिल्ली में दौड़ने लगी है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और दिल्ली में जो मजेंटा लाइन पे ये ट्रेन, ये मेट्रो दौड़ेगी, चलनी शुरू होगी, वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो चलनी शुरू हो गई है, और हमारे देश में बिना ड्राइवर की मेट्रो का जो अगला शहर होगा वो होगा बेंगलुरु।